हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू मस्ट बी इन गुड हेल्थ एंड मस्ट बी स्टडिंग वेल आल्सो। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो की शुरुआत हम फाइनल अकाउंट्स के न्यूमेरिकल पार्ट से शुरू करेंगे। इससे पहले के वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हम न्यूमेरिकल पार्ट में कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये चैप्टर आपका कम से कम 30 मार्क्स का आता है, और इस 30 मार्क्स में आपके थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है, और 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं। और 2 या 3 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट करते हैं। आज हम उसी को ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमने कुछ भी हल्के से नहीं लेना है। हमने अगर 2 या 3 नंबर का भी क्वेश्चन है तो उसको जाने नहीं देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बेस आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ गुड्स खरीद के लाते हैं, परचेजेस करते हैं आप 10,000 रुपीज़ से। मटेरियल ख़रीदा आपने फॉर रीसेल या फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, वट एवर, और ये मटेरियल आपने किसी दूसरे शहर से ख़रीदा या दूसरी स्टेट से ख़रीदा है, और इसको आपको अपने स्टोर तक, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक लाने के लिए आपने कार्टेज दिया। कार्टेज हम इसको बोलते हैं कार्टेज इनवर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल्स 2,000 रुपीज़ दिया। तो अब आप ये देखिए, जो हमने मटेरियल ख़रीदा था 10,000 का, उस पर हमने 2,000 रुपया अगर हमने कार्टेज दे दिया है, तो अब इस मटेरियल की कॉस्ट क्या हो गई? 10,000 तो नहीं रही ना, इस मटेरियल की कॉस्ट अब हो गई 12,000। अभी और आगे चलिए, ये मटेरियल आपके स्टोरेज पॉइंट तक तो आ गया है, लेकिन अब इसको अनलोड करवाया, अनलोड करवा के फिर आपने उसको अपनी जगह पर रखवाना है, तो उसके लिए आपने वेजेस भी दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वेजेस हमने 500 रुपीज़ दिए हैं, और जिस स्पेस में हमने उसको रखा है, जिस स्टोरेज में हमने उसको रखा है, अगर वहाँ का हम रेंट भी दे रहे हैं, 500 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट दे रहे हैं, तो आपने रेंट भी लगाइए। तो अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स, जो मटेरियल हमारी कॉस्ट 10,000 रुपये थी, अब वो कितनी हो गई है? 13,000 हो गई है। अब इसी मटेरियल को हम अगर 12,000 में या 11,000 में बेचते हैं, तो क्या हमें प्रॉफिट होगा? नहीं होगा ना, हमें उल्टा लॉस होगा। एटलीस्ट 30,000 से हमें ज़्यादा बेचना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सेल करते हैं उस मटेरियल की 15,000, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट। ठीक है ना, क्लियर है ये तो? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये मान के चल रहे हैं, हमारा एंटायर प्रोडक्ट जो हम खरीद के लाए थे वो हमने सेल कर दिया है 15,000 रुपीज़, तो इसको क्या हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे आते हैं, और परचेजेस में अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिला देते हैं, तो ये हमारी हो जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इस केस के अंदर हमने एंटायर प्रोडक्ट को बेच दिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कुछ अनसोल्ड रह जाता है, अनसोल्ड स्टॉक, फॉर एग्ज़ाम्पल 2,000 रुपये का रह गया हमारा, तो हमारे पास बचा कितने का? 11,000 रुपीज़ का। 11,000 रुपीज़ मटेरियल के को हम अगर 15,000 में सेल कर देते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी 11,000 रुपीज़। तो आप यहाँ देखोगे स्टूडेंट्स, जो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने डेबिट साइड में लिखे हुए हैं, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्लस मटेरियल है और ओपनिंग स्टॉक है, ये सब यही आइटम्स हैं, है ना। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है? अगर हम सेल्स में से अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देते हैं, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो हम क्या अपना एक फार्मूला निकाल सकते हैं इसके बेस पे? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इस फार्मूले के बेस पे हम दो चीज़ें और निकाल सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें? अभी हमने यहाँ देखा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब अगर नेट नेट सेल्स निकालनी हो, आपको अगर कोई भी दो चीज़ें मालूम है, तो आप तीसरी चीज़ निकाल ही लोगे नेट सेल्स में अगर, तो ये हो जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इधर आ गया, प्लस हो गया।
अब इन केस आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और आपको क्या क्या दो आइटम्स दिए हुए हैं, नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल नेट सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है इतना? नेट सेल्स का मतलब सेल्स माइनस में सेल्स रिटर्न, अगर कहीं नेट परचेजेस लिखा हुआ है तो आप समझिएगा परचेजेस माइनस में परचेज रिटर्न। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किन किन चीज़ों से बनता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट्स परचेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और इसके अगर अंदर हम अगर क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है उसको हम माइनस कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो आपके लिए अब न्यूमेरिकल पार्ट को डिफिकल्ट नहीं है, न्यूमेरिकल पार्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ही बेस होता है। तो चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट को करते हैं इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक छोटा सा इलस्ट्रेशंस लेके आया हूँ आपके लिए। इसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक वेजेस फ्रेट कैरिज इनवर्ट, ये सारी फिगर्स ट्रेडिंग अकाउंट की हैं। और हमको दिया हुआ है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज़ 20%, इसके बेस पर हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो अभी हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी फिगर्स अवेलेबल हैं और कौन सी फिगर्स मिसिंग हैं। ओपनिंग स्टॉक हमको दिया हुआ 1 लाख रुपीज़, अगर हम यहाँ पर ही भर दें इसको। परचेजेस दिया हुआ 2,80,000, परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ 80,000 रुपीज़, वेजेस 2,000 और रेट 600 और कैरिज इनवर्ड हमको दिया हुआ है 1,000। कैरिज इनवर्ड या कार्टेज इनवर्ड एक ही बात होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्या दिया हुआ है इसने कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल पर 20% है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट सेल पर, और सेल हमको पता नहीं है, है ना। तो सबसे पहला काम तो हमारा को सेल निकालने का है। आपको इस इंफॉर्मेशन से आप क्या क्या कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, पहले तो ये देखो, इस इंफॉर्मेशन से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम इन सबको ऐड कर दें और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अगर हम इनको टोटल करते हैं तो ये टोटल आ जाता है स्टूडेंट 006683, और 386600 में से हम 80,000 माइनस कर दें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 386600 माइनस में 80,000, ये आ गया 306600। हमें कॉस्ट तो पता लग गई है लेकिन हमें अभी सेल पता नहीं लगी है। सेल के लिए वो बोल रहा है कि सेल जो है, ये कहता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 20%। अगर हम ये मान के चलें कि अगर हमारी सेल जो है 100 रुपये है, अगर सेल हमारी 100 रुपया है तो 100 रुपये पर 20% प्रॉफिट हुआ हमारा, कितना हो गया 20%, 20 रुपया। तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट क्या हो गई, सेल में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट हो गई ना 80 रुपीज़। तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एक तरह से ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप इस कॉस्ट के बेस पे इक्वेशन बना के अब आप सेल निकाल सकते हो। अब वही इक्वेशन बनानी है जो आपने पहले कभी छोटी क्लासेस में पढ़ा था, बता देता हूँ मैं आपको। व्हेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 80 रुपीज़, तो सेल कितनी है हमारी, सेल प्राइस, सेल इज 100, यही है ना, 80 रुपये अगर कॉस्ट है तो सेल 100 है। अब कॉस्ट हमारी इतनी दी हुई है, व्हेन कॉस्ट इज 306600, तो सेल कितनी होगी 100 अपॉन में 80 इंटू में 306600। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 383,250, 383,250। क्लियर है? हमारी यहाँ पे हमारी जब कॉस्ट थी 80 रुपीज़ तो हमारी सेल थी 100 रुपीज़, जब हमारी कॉस्ट है 306600 तो हमारी सेल कितनी हो गई 383,250। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
सेल की जगह 383,250 ये लिख सकते हो। अब सेल निकल गई है तो अब तो हमारा सॉल्व हो गया। अगर हम इसको टोटल कर लें सबको और उसमें से ये माइनस कर दें तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है। तो इसको आप टोटल करिए, फोर सिक्सटी थ्री टू फाइव ज़ीरो, और 463,250 यहाँ पे लिख दीजिए। और आप इसमें से अगर माइनस कर देंगे ये सारी फिगर्स तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आता है आपका 76,650। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब इसका स्टूडेंट्स आप टेस्ट चेक भी कर सकते हो कि हमारे ये ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर ठीक आई है कि नहीं आई है। वो कैसे? क्योंकि इसमें दिया हुआ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज़ 20%। तो इसका अगर 20% हम निकालते हैं, 383,250 इंटू में 20%, तो आपका ये आना चाहिए 76,650। तो ये आपका टेस्ट चेक हो जाएगा। आपने अपने आप चेक कर सकते हो कि हमारी फिगर सही आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको आने वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं अभी करवाऊंगा उसको आप बहुत आराम से कर लोगे। तो चलिए मैं अभी इसको रब करता हूँ और दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। वेलकम बैक। एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको नेट सेल दिया हुआ है 9 लाख रुपीज़ और ग्रॉस प्रॉफिट वो कहता है 25% है ऑन कॉस्ट। सिर्फ से यही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 25% कॉस्ट पे जो है नेट ग्रॉस प्रॉफिट है और सेल दे रखी है। क्या कहता है? कैलकुलेट करो ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी के बेस पे हम काम करेंगे। हमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। अगर कि कॉस्ट हमारी 100 रुपया है तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 25% है ना, 25 रुपया हो गया। तो सेल कितनी हो गई? सेल प्राइस 125 हो गई सेल। अब इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद आप उससे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे बनेगी इक्वेशंस? व्हेन सेल इज़ 125 तो प्रॉफिट कितना है हमारे पास? 25 रुपया ये, और सेल आपको दी हुई है 9 लाख रुपीज़। व्हेन सेल इज़ 9 लाख रुपीज़ तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? 25 डिवाइडेड बाय 125 इनटू में 9 लाख। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1,80,000। यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है ये आ गया 1,80,000। अब प्रॉफिट आपके पास है और नेट सेल्स आपके पास है, हमको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सी होती है? अगर हम सेल में से अगर हम प्रॉफिट निकाल दें तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारी नेट सेल्स है 9 लाख रुपीज़ और प्रॉफिट है हमारा 1,80,000। बहुत सिंपल है। ये नहीं मैं चाहता कि आप इसमें एक नंबर भी इसमें आप लूज़ करो। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 7,20,000 आ गया, प्रॉफिट इसमें आ गया 1,80,000। ये दो चीज़ें मांगी थी। तो देखा स्टूडेंट्स कितना आसान लगा हम लोगों को। आपको एक दफ़े समझ में आ गया आपको, अब आपको ये क्विज़ की तरह लगेगा, आपको खुद लगेगा कि हम सॉल्व करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। अभी और क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे। मैं अभी इसको रब करता हूँ। वेलकम बैक अगेन। एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं, उसमें ओपनिंग स्टॉक दिया 20,000, कैश सेल्स 60,000 और क्रेडिट सेल्स 40,000। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल्स मिला के हमारे पास कितनी टोटल सेल हो गई? 1,00,000 रुपये की। इसके साथ में परचेजेस दिया हुआ है 70,000। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 33.33% ऑफ कॉस्ट। इसको हम बोलेंगे 33.33%। हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हम उसको लेके चलते हैं। हमको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट जो है कॉस्ट का 33.33% है। अगर कॉस्ट हम मान के चलें 100 रुपये है तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 33.33। इट मीन्स सेल हमारे पास हो गई 133.33, है ना, इतनी सेल हो गई। और यहाँ पे आपको सेल दी हुई है, अब आप इक्वेशन बना लोगे आराम से। डेट इज़ व्हेन सेल इज़
133.33, तो हमारी कॉस्ट कितनी है इस समय? कॉस्ट इज 100 रुपीज़। आपने कॉस्ट भी निकाल सकते हो और प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। हमारे पास सेल कितनी दी हुई है हमें? सेल इज 1 लाख रुपीज़, 1 लाख दिया हुआ सेल हमको, तो कॉस्ट कितनी हुई? इसके बेस पे हम कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट इज 100 डिवाइडेड बाय 133.33 इनटू में 1 लाख। अब आप इसको अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 75,000 की कॉस्ट थी जो कि हमने 1 लाख रुपए में बेची है। और कितने परसेंट सेल आती है ये? 33.33। इसके ऊपर आप 33.33 करोगे तो 25,000 आएगा। चलिए अब देखिए निकालना क्या है हमको, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो हम फिर क्लोजिंग स्टॉक आराम से निकाल सकते हैं। क्या है फार्मूला हमारे पास? ये फार्मूला है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखा है 75,000, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ आपको 20,000, नेट परचेजेस परचेजेस आपको दे रखी है 70,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास कुछ नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक हमें माइनस करना है और यही हमको कैलकुलेट भी करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आप आराम से क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 70,000 और ये 90,000, 90,000 माइनस में 75,000, ये आ गया हमारे पास 15,000। क्लियर है? आसान लगा ना आपको? आपको मेनली एक ये फार्मूला याद रखना है, इससे हम तीन फार्मूले निकाल लेते हैं है ना। और इस केस में हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल रखा था, हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना था, वो हमने निकाल लिया आराम से। चलिए और करना है अभी क्वेश्चन, एक और कर लें क्वेश्चंस को। तो अभी मैं इसको रब करता हूँ और एक और क्वेश्चंस आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आता हूँ। वेलकम अगेन, आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें हमको सिर्फ से एक फिगर दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट दे रखी है 1 लाख रुपीज़ और एक बताया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाए बहुत है, उसके बेस पर हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, तो इसका मतलब हमारे पास अगर सेल इज 100 रुपीज़ है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 20% बोल रहा है, 20 रुपीज़। तो कॉस्ट कितनी हो गई? अब हम इसको माइनस करेंगे, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ कॉस्ट है, 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, तो सेल हो गई हमारी 100 रुपीज़। अब हमारे पास कॉस्ट निकल गई है और कॉस्ट यहाँ पे हमको दे रखी है। अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, व्हेन कॉस्ट इज 80 रुपीज़, तो हमारे पास सेल कितनी है? सेल इज 100 रुपीज़। व्हेन कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज, तो सेल कितनी होगी? तो सेल होगी 100 डिवाइडेड बाय 80 इनटू में 1 लाख। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1,25,000। अब हमें नेट सेल्स भी मिल गई है और कॉस्ट भी हमारे पास है, फिर तो हम ग्रॉस प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। अब हमने पहला पार्ट तो निकाल दिया नेट सेल्स, अब हमारे पास सेल्स भी है और कॉस्ट भी है, फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट तो आराम से निकाल ही सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, नेट सेल्स कह लो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1,25,000 माइनस में 1 लाख। स्टूडेंट्स बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, तीन तीन नंबर के, दो दो नंबर के, अगर आपको आते हैं तो बस ले लेने हैं इनको। हो गया क्वेश्चन हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया 25,000 और नेट सेल्स हमने निकाली ली थी 1,25,000। तो ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप आज जो हमने ये 4-5 क्वेश्चंस किए, अगर आपने ये कर लिए हैं तो आई एम श्योर कि आप इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो गलती नहीं करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, अगले वीडियो में हम एक पूरा क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इसकी अगर और प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।